नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, इस बार दर्श अमावस्या 28 जून सुबह 5:52 से शुरू हो रही है, जो 29 जून सुबह 8:22 तक रहने वाली है। कुछ लोग 28 जून को भी अमावस्या का जो भी पूजा पाठ करते हैं करेंगे, कुछ लोग 29 को भी करेंगे। 29 को इसलिए क्योंकि 29 तारीख उदया तिथि है। कोई भी व्रत त्योहार उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन उदया तिथि होती है। लेकिन क्योंकि 28 तारीख को ये सुबह 5:52 से शुरू हो रही है, तो 28 तारीख को, 28 जून को भी पूरा दिन अमावस्या रहने वाली है। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इस उपाय को आप दोनों में से कोई भी दिन करें, आपके लाइफ में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहेगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा तेरस के दिन, अमावस्या के दिन, पूनम के दिन, शुक्रवार के दिन होती है। दिवाली का जो पर्व है वो भी अमावस्या वाले दिन ही मनाया जाता है। अमावस्या की काली रात को इतने दिए जला दिए जाते हैं कि सारा अंधेरा दूर हो जाता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ 2 मिनट का है, जरूर करें। इस उपाय को करने से हमेशा के लिए दोस्तों आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी दूर होती है। दोस्तों, आप कहीं बाजार में हैं, मॉल में, मार्केट में, वहां हजारों लोगों की भीड़ होती है। आपके पास वही लोग आते हैं जो आपको जानते हैं, जो आपसे कनेक्टेड है, बराबर। आप देखना, एक ही ग्रह, एक ही नक्षत्र, एक ही अंक के लोग जल्दी से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उन सबके अंदर एक जैसा ही तत्व होता है। जहां जो पक्षी की झुंड होंगे, वहां उसी पक्षी के झुंड होंगे, उसमें दूसरे का समावेश नहीं होता। इंसानों के झुंड भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही आपकी दोस्ती, यारी, मित्रता आपके मित्र ग्रहों के लोगों के साथ जल्दी होती है, क्योंकि जो तत्व आप में है वही तत्व उसमें होते हैं। अब आपके ऊपर, जैसे आप चाहते हैं कि गुरु की कृपा उतरे, तो गुरु आपके पास कब आएंगे? जब गुरु से संबंधित चीजें आपके पास होंगी, जो जैसे कि गुरु को पीला कपड़ा पसंद है, आप पीले कपड़े धारण करें, शरीर में एक तो पीला वस्त्र जरूर रखें। गुरुवार के दिन आप गेंदे के पुष्प उन्हें अर्पित करें, मतलब जो भी उपाय है गुरुवार के आप उन्हें करना शुरू करें, गुरु आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे ही यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जो चीजें माता लक्ष्मी से जुड़ी है उनके दिनों में आप उन चीजों को अपने जीवन में बसाना शुरू कर दें, अपने आप को आकर्षित होकर आपके पास आएंगे, बराबर। कई बार आप देखना, आप बोलेंगे ये व्यक्ति तो टोटल ब्लू रंग के कपड़े पहनता है और एक पागल करोड़पति बना घूम रहा है, कैसे उसने कपड़े पहन करके या उन चीजों को उसकी लाइफ में जगह नहीं दी, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर लक्ष्मी के योग पड़े हुए हैं। अब बॉडी के अंदर वो चीज कहां से आई है? बॉडी किस चीज से बनी है? पंच महाभूतों से। अब आपकी बॉडी को, बॉडी के अंदर वो चीज लाने के लिए इन पंच महाभूतों के अंदर उन चीजों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मंत्र जाप करते हैं, अपने आकाश तत्वों को जगाते हैं, शब्दों के द्वारा उस चीज को उत्पन्न करते हैं, है ना? खाने पीने की चीजों के द्वारा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो चीजें जिस चीज से जुड़ी है, जिस ग्रह से, जब हम उसको खाते हैं तो उसका रूप हमारे अंदर चला जाता है, तो वो चीज के द्वारा वो चीज हमारे पास, वो ग्रह, नक्षत्र, वार, त्योहार, वो भगवान, देवी देवता जो भी है, आपके पास आ जाते हैं, ओके? और सबसे ज्यादा दोस्तों,
कोई चीज तंत्र में, मंत्र में, किसी भी चीज में काम करती है तो पानी। आप कहीं पर भी जाओ भुआ वैरागियों के पास, सबसे पहले आपको पानी अभिमंत्रित करके देंगे, क्योंकि पानी बहुत जल्दी अपना रूप बदल देता है। पानी जहां होगा, जिस चीज में होगा, वो उसी चीज का रूप धारण कर लेता है। उसमें आप जो चीज मिला देंगे वो उस चीज का रूप धारण कर लेता है। आज के दिन एक छोटा सा काम करें, कांच के ग्लास में पानी लें, किसमें, कांच के ग्लास में शुद्ध पानी भरे। पानी ठंडा होगा अच्छा रहेगा, पानी ज्यादा ठंडा नहीं है, थोड़ा सा एक बर्फ का टुकड़ा उसमें डाल दें। उस पानी को लेकर के आप बैठ जाएं, अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर करके, उत्तर तरफ की जो दिशा है, उत्तर दिशा जो है वो आपके बुध को मजबूत बनाती है, आपके नौकरी धंधे बड़ी तेजी से दौड़ा देती है। ठीक है, तो मतलब इससे आपके, आपका जो आम, जहां से आमदनी हो रही है वो ज्यादा प्रमाण में हो जाएगी, स्तोत्र बढ़ जाएंगे। बैठ जाएं और आप 27 बार बोले, ओम लम लक्ष्मीये नमः। जब आप ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम लम लक्ष्मीये नमः, बराबर अपनी अनामिका उंगली पानी के अंदर डाल करके रखें, रिंग फिंगर, ये इसमें 40 बार बोल दें। आप इमेजिन करें ये पानी पूरा लक्ष्मी प्रदान हो गया है। उस पानी को थोड़ा सा अपने हाथ में लें, जहां धन रखते हैं वहां छिड़कते हैं, बाकी का पानी आप पी लें। दिन में एक बार कर सकते हैं, एक बार करें, अमावस्या 2 दिन की है, दोनों दिन में जितनी बार कर सकते हैं दोस्तों, इससे ज्यादा पावरफुल कोई उपाय नहीं है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, अपने अंदर माता लक्ष्मी के जो लक्ष्मी योग है वो डेवलप करने का। योग आपके शरीर में ही डेवलप हो जाए बहुत बड़ी चीज है, आपकी कुंडली में डेवलप हो जाए बहुत बड़ी चीज है। मैं हमेशा बताती हूँ गज केसरी योग, अगर आपके, आपकी कुंडली में है मतलब वो आपके बॉडी के अंदर विराजमान है, आपका जीवन शुद्ध होगा, सरल होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, ज्ञान होगा, आपके ऊपर गुरु की कृपा होती है, चंद्र की होती है। आप सफेद कपड़ा ना भी पहने, पीले कपड़े ना भी पहने, वो कुंडली में आप पड़ चुका है। ऐसे ही वो आपकी बॉडी पर लक्ष्मी योग बन जाएंगे। कई जगह आपने देखा होगा करोड़ों अब्जो में खेलने वाला व्यक्ति, आप बोलते हैं अरे वो तो ऐसा कोई नियम पालते ही नहीं है, जो आप बताते हो क्या वो व्यक्ति ऐसा नियम पालता है, करोड़ों में खेलता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर वो चीजें पहले से डेवलप्ड है, उसे बाहरी उपायों की जरूरत नहीं पड़ती है। कई जन्म इसी जिंदगी के पिछले जन्म में या उसके माता पिता के अच्छे कर्मों का जो फल है, बाहरे पुत पिता के धर्मा खेती पाके अपने कर्म, तो कितनी बार हमारे माता पिता के सुकर्म का फल बच्चे भोग रहे होते हैं, उनके खुद के पिछले जन्मों की तपस्याएं हैं जो इस जन्म उनके पास सब कुछ है, उन्हें किसी उपाय की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर, निर्दोष लोग बेचारे, निर्दोष, वो ये कहते हैं कि नहीं सारे उपाय ही गलत है, जो उपाय नहीं करता वो सुखी है, उसने उपायों का पाप कर रखा है अपने पिछले जन्म में, अपनी पिछली जिंदगी में, इसलिए उपायों को आप करें, मन से करें, क्योंकि आपके पास अभी तक वो चीज नहीं आई है जिसकी आपको जरूरत है। उसको ना देखें जिसके पास आ चुकी है, उसका काम पूरा हो गया, आपके पास नहीं है, आप करें, आपको जरूरत है ना? हर व्यक्ति की अपनी अलग जरूरतें होती है, हर व्यक्ति के अपने कर्म अलग होते हैं, हर व्यक्ति का अपना भविष्य अलग होता है, और आपके हाथ में सिर्फ आपके कर्म है, किसी को एनालाइज ना करें। हर व्यक्ति के उसके कर्म अलग है, क्या करके आया है, क्या भोग रहा है, आपको क्या पता, सिर्फ ईश्वर जानता है। उपाय को बड़े मन से करें, करते रहें, कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ अवश्य। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें, ये तमाम फ्रॉड लोग हैं, इससे बचे रहें। उपाय अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें।